उधर देखो उधर। और हिंदुस्तान में जींस पहनने का जून जुलाई का महीना है, जींस पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो चारों तरफ खुजली। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जींस पहनने का मतलब क्या है? और इतनी टाइट जींस पहनेंगे, लेट के पहननी पड़ती हो यूं, इतनी टाइट जींस पहनेंगे बताओ बावड़े। अरे यहाँ हमारे जैसे धोती पहनो, ऐसे ऐसे देखो कितनी बढ़िया हवा लगती है इसके अंदर, कोई खाद खुजली का खतरा ही नहीं। आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया। क्या बताता? बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे पतंजलि की जींस कब आ रही है। नीचे जींस है पतंजलि की, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। ये अलग अलग प्रकार के जींस हैं। जींस में भी हमारे पास सैकड़ों ऑप्शंस हैं। आप किसी भी प्रकार की जींस यहाँ पर ले सकते हैं। सम्मान के प्रतीक मान लिया हमने किसको? जींस को, और वो भी फटी हुई जींस को। जो फटी हुई जींस पहने ना, वो ज्यादा सभ्य बोला जाता है। मैंने पहले पहले देखा तो मैंने ऐसे ही किसी से पूछा, मैंने कहा भैया आपके पास पैसा नहीं है तो मैं दे दूंगा, फटी हुई क्यों पहन रखी है? तो बोले बाबा जी मेरे पास ज्यादा पैसा इसलिए पहन रखी है। और मैंने कहा फिर कैसे? बोले ये तो स्पेशल डिजाइन है, यहाँ से फटी हो, यहाँ से फटी हो, यहाँ से फटी हो। पीछे देखो पीछे। ये जीन्स मैं देख रही हूँ, मतलब हाँ, ये फटी हुई भी है। हाँ अच्छा, फिट की फटी हुई जीन्स, श्रेडेड जीन्स जिसको कहते हैं, वो आजकल फैशन में है ना। सिली भी चाहिए तो सिली भी है, और फटी हुई भी हमने ले रखी है। लोग आजकल फटी हुई जीन्स भी पहनते हैं, तो ये फटी हुई जीन्स का भी ऑप्शन है, लेकिन हमने उतना ही फाड़ा है जिसमें कि भारतीयता भी बनी रहे, क्योंकि ज्यादा तोड़ फाड़ जो है वो फिर भारतीयता की हानि होती है, इसलिए थोड़ी फाड़ रखी है हमने, घिस रखा उसको जितनी घिसाई चाहिए। म्यूजिक आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाए पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआए पीछा करती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।